आइए दोस्तों, आज अक्षय तृतीया का त्यौहार है। हम अक्षय तृतीया की पूजा करके, अक्षय तृतीया का पूजन करके अपने पितरों को शांति प्रदान करेंगे, पितरों का तर्पण करेंगे। आप सभी देख रहे हैं केसी SSU एंटरटेनमेंट चैनल। आई एम योर होस्ट सी बघेल सर। घर के सामने में, आंगन में, दोनों दरवाजे के दोनों ओर ऐसे गोबर से हल्का सा लीप कर रंगोली बनाएंगे। उसमें फूल वगैरह डालेंगे। एक प्लेट में काले तिल, चावल, गुड़ लेंगे। एक प्लेट में हरी दूब है, फूल लेंगे, जल लेंगे, कच्चे आम लेंगे और लक्ष्मी नारायण जी का सुमिरन करेंगे। अब हमारे घर में भगवान शिवलिंग का स्थान है, शीतला जी का भी स्थान है, पीपल जी का भी स्थान है। विधिवत पूजा करेंगे एक के बाद एक। मेरा पूरा परिवार एक के बाद एक विधि विधान से पूजन कर रहा है। दो आम को रखकर उसके ऊपर में चावल डालेंगे, हरी धूप डालेंगे, जल चढ़ाएंगे। ऐसा करके घर के सभी छोटे से लेकर बड़े तक हरी धूप चढ़ा है, जल चढ़ा है, उसमें उड़द तिल है, चावल है और चुकिया से पानी वगैरह देंगे। इस तरह से एक कर एक के बाद एक सभी तर्पण करेंगे पितरों का सुमिरन करके। भगवान लक्ष्मी नारायण ये अपने हिंदी रीति रिवाज के हिसाब से है, ये प्राचीन काल से चलता आ रहा है। ये हवन के लिए एक पात्र लकड़ी जलाई जा रही है। ये तर्पण खत्म होने के पश्चात फिर अंदर कलश की स्थापना करेंगे। कलश को सजाया जाएगा। ये सभी के लोगों के तर्पण समाप्ति पश्चात घर के भीतर में एक मिट्टी के कलश को सजाया जाएगा और वहाँ पर लक्ष्मी, देखिए उड़द दाल के बड़े हैं, पूरियाँ हैं, खीर है और मिक्स सब्जी है, सब्जियां हैं और सतुआ है, जिसे सत्तू भी कहते हैं, और भी तरह तरह के फल हैं, सेब है, केले हैं, फूल है, कपूर है, अगरबत्ती है, पूजा के सामान वगैरह है। कलसे का पूजा करेंगे विधि विधान से। सारे फलों को ऊपर कलसे के रखेंगे। इस तरह से कलसे को सजाने के पश्चात घर का हर सदस्य यहाँ पूजा करेगा, होम अग्यारी देगा। ये अपने भारतीय पौराणिक पद्धति अनुसार है। अक्षय तृतीया, आकातीज। आकातीज भी कहते हैं इसे। आइए पूजा कर लेते हैं। सामूहिक रूप से सहपरिवार पूजा करेंगे। एक के पश्चात एक परिवार के छोटे से लेकर बड़े सदस्य तक पूजा करेंगे। और जैसे अग्नि जलने के पश्चात में अग्नि में ये जो भी है पकवान बने हुए हैं, फल है, पकवान है, ये सारा अग्नि को भी समर्पित करते हैं। लक्ष्मी नारायण जी का सुमिरन करते हैं और अपने कुल के समस्त पितरों के शांति के लिए अर्पण तर्पण करने के पश्चात में इस हवन करते हैं और भगवान लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करते हैं कि उनके पितरों को मोक्ष मिले, गति मिले, उनकी मनोकामना पूर्ण हो, हम पे कृपा बनाए रखे। इस तरह से पूरा परिवार पूजा करता है। भगवान लक्ष्मी नारायण हम सबकी मनोकामना पूर्ण करें। देखिए इस तरह से धीरे धीरे पूजा समापन की ओर अग्रसर हो रही है।
घर के बाहर आकर चिड़िया के लिए, कुत्तों के लिए, गैया के लिए निकालेंगे। गौ माता को बाहर ले आकर खिलाना पड़ेगा, जो रखा हुआ है घड़े के ऊपर, कलसे के ऊपर, वो गौ माता को खिलाएंगे। बाकी ये कुत्ते के लिए, चिड़िया के लिए, पीपल में रखने के लिए निकाल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। यू ऑल आर वॉचिंग KCSSU एंटरटेनमेंट चैनल। आई एम योर होस्ट श्री बघेल सर। आई एम वेरी थैंकफुल यू ऑल बींग विद मी। पितृ शांति हेतु अक्षय तृतीया की पूजा पौराणिक तरीके से, पारंपरिक तरीके से, प्राचीन तरीके से। थैंक यू वेरी मच।